आज एक मोबाइल है Redmi Note 8 Qualcomm का है और SMCPU लगा है, दो पावर के साथ PMI 632 लगी है, PM6125 लगी है। और बेसिकली अगर हम बात करें इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, लाइट आ रही है। हम लाइट भी दिखाएंगे कैसे दिख रही है और कैसे चेक कर लें कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। हमें इस फ़ोन का ग्राफिक्स बनाना है, पर हम अगर बिल्कुल जैसे सारी लाइटों को चेक करेंगे तो ये समझ लो कि हम लोग कोई नॉलेज नहीं है और हर समय किसी यूट्यूब वीडियो देख कर ये लाइन वे लाइन चेक करेंगे तो ऐसे बन गए टेक्नीशियन। हमको एक प्रोफेशनल नॉलेज काम करना है जिसमें हमें ये पता होना चाहिए हर सर्किट एक सीक्वेंस बनाती है, हर सर्किट एक सीक्वेंस बनाती है। हाँ, जैसे अगर मुझे डी कहीं रास्ते में मिल गया, अगर बाहर है तो ये समझो कि ए बी सी भी मिल जाएंगे। हेलो, क्योंकि डी तभी घर से बाहर निकलेगा जब ए निकलेगा, ए के बाद डी, डी के बाद सी, फिर डी। तो अगर हम ये सीक्वेंस नहीं सीखेंगे और सिर्फ रट्टा मारेंगे लाइनों का और यहाँ लाइनों को सिर्फ देख लेंगे तो हम हर टाइम ईच एंड एवरी टाइम शुरुआत से चेक करेंगे, हमारा खुद का एक्सपीरियंस बैठेगा नहीं। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्पोनेंट मिसिंग है या कोई हमें आईसी रिवॉल्व कर देंगे तो जाएगा। मैं बता दूं, मैं भी दिखाऊंगा, इसका सीपीयू रिवॉल्व है ऑलरेडी, इसके अंदर सारी ग्राफिक्स के वोल्टेज आ रहे हैं, इसके अंदर सारी बीपी की कॉइल ओके है, सब जीआर ओके है, कनेक्टर एक नंबर है, टूटा नहीं है, डस्टेड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। पीएमआई चेंज है जो कि डिस्प्ले आईसी है, सारे डिस्प्ले के कॉम्पोनेंट अब हमें चेक करना है। बेसिकली वो चेक करना है, हम क्लास कर रहे हैं कॉम्पोनेंट की, तो हमें कॉम्पोनेंट का महत्व समझना है। हेलो, आईसी का होता तो आईसी का महत्व समझाता। मतलब अगर इस फोन के अंदर तुम सारी आईसी निकाल के लगा दो तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा और तुम घूमते रह जाओगे, तो आप पहले इसका थोड़ा सीक्वेंस समझेंगे। तो हम डे टू में है अपने, हेलो, और डे टू के दौरान अभी हम ग्राफिक्स आईसी को हमने समझा नहीं है, पर हम आगे सीखेंगे, है ना, और हम जबरदस्त तरीके से सीखेंगे ग्राफिक्स आईसी को मॉडिफाई करना, आईसी के मॉडिफिकेशन, प्लस 5 माइनस 5, एक ऐसे बोर्ड में जिसमें सीपीयू तक नहीं है उसमें भी प्लस 5 माइनस 5 कैसे बनाना, ये सारा प्रैक्टिकल हम अपने हाथों से करेंगे। यस सर। तो हम पहले पर हम आगे सीखेंगे, है ना। यस सर। और हम जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। यस सर। ग्राफिक्स आईसी को मॉडिफाई करना, आईसी के मॉडिफिकेशन, प्लस 5 माइनस 5, एक ऐसे बोर्ड में जिसमें सीपीयू तक नहीं है उसमें भी प्लस 5 माइनस 5 कैसे बनाना, ये सारा प्रैक्टिकल हम अपने हाथों से करेंगे। यस सर। तो हम पहले एक डिस्प्ले का रूट सीक्वेंस देखें, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि डिस्प्ले किस कैटेगरी का लगा है। तो डिस्प्ले इरेजर लगा है आईपीएस, कौन सा लगा है आईपीएस, इन प्लेन स्विचिंग, मतलब एक ऐसा डिस्प्ले जिसकी खुद की लाइट नहीं है, एमओएलईडी होता है जिसमें खुद का लाइट होता है। हेलो, इसमें इन जितने भी जो डिस्प्ले जिसको आईपीएस होते हैं उस डिस्प्ले के ऊपर लाइट चलाने के लिए बैकलाइट स्ट्रिप का यूज किया जाता है। हेलो, बैकलाइट व्हाइट कलर की सभी इसने देखी होगी ये लोग डिस्प्ले के पीछे। अब वो चलने के लिए एक सर्किट बनाया जाता है, उस सर्किट को लाइट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमओएलईडी में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। एमओएलईडी क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल अपने आप ऑन होते हैं, वो अपने इनेबल खुद देता है, तो इसलिए एमओएलईडी को सुपीरियर माना गया है क्योंकि उसका कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस सब बेस्ट होता है। पर आईपीएस क्या है? हमारे पुराने डिस्प्ले में जैसा है, पर ये सारे उन सेटों में आता है जिसकी कॉस्टिंग उनको ब्लू रखनी है। अब इसके अंदर ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरे डिस्प्ले कनेक्टर में सबसे पहले नंबर पे जो वोल्टेज मुझे मिलेगा वो मुझे फोन को चालू करने के बाद जो सप्लाई मिलेगी वो कौन सी सप्लाई होगी, VIO, कौन सा वोल्टेज फोन को क्या करने पर मिलेगा, जो डिस्प्ले की खुद की रिक्वायरमेंट है। हेलो, जब तक डिस्प्ले सेल्फ वो वोल्टेज नहीं ले लेता तुमसे कनेक्टर के बाद, तब तक वो अपने आप को ऑन करेगा। फिर डिस्प्ले को दो रिक्वायरमेंट और चाहिए, तब तक डिस्प्ले ब्लैंक रहेगा, मतलब टोटली ब्लैंक। यस सर। पर प्रॉब्लम क्या है, हमारा ब्लैंक नहीं है, अब ये दिखाएंगे, हमारा ब्लैंक नहीं, हमारे में लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, क्या रहा है, पर ग्राफिक्स आ रहा है, तो इसलिए हमारा ब्लैंक नहीं है। इसलिए क्यों, क्योंकि इसकी एक रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी हो रही है क्योंकि लाइट आ रहा है। तो अगर हम लाइट कब बनता है हम ये समझ रहे हैं तो हमारे को ये पता चल जाएगा क्या क्या बन चुका है। यस सर। हेलो, यस सर।
तो हम लाइट 1.8 के बाद जो दूसरे नंबर पे सप्लाई निकलती है और तीसरे नंबर पे जो सप्लाई निकलती है वो निकलती है जो डिस्प्ले को मिलती है +5 -5 बोलो VSP VSN बोलो वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव। ये वोल्टेज डिस्प्ले के होते हैं जो कि बूस्ट वोल्टेज होते हैं जो कनेक्टर को चाहिए। किसको चाहिए? डिस्प्ले लगने के बाद। हेलो, तो अगर ये तीन वोल्टेज इसको मिल गए तब डिस्प्ले एक्टिव होता है और चौथे नंबर पर वो खुद आउटपुट एक वोल्टेज निकालेगा। अगर आप देखो कि तीन तो वो मांग रहा है, हेलो, चौथा वो खुद दे रहा है, और अगर चौथा नहीं निकला तीन में है, हेलो, वो चौथा होता है CABC ब्रो, कंटेंट कंटेंट ब्राइटनेस कंट्रोल, और इसको कहते हैं PWM बोलो, पल्स वेव मॉडल। ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है जो जाती है लाइट आईसी के अंदर। किसके अंदर? लाइट आईसी के अंदर। जैसी लाइट आईसी को कितना वोल्टेज मिलता है? किससे? कनेक्टर से, जैक से, डिस्प्ले लगाने के बाद तब लाइट आईसी अपना लाइट के दो आउटपुट भेजती है, हेलो, 5 और 6। एक भेजती है एलईडी एनोड और एक एलईडी कैथोड। यहाँ पे वोल्टेज होते हैं 15 से ऊपर, हेलो, और ये लाइन सर्किट के हिसाब से होती है। तो ये फीडबैक की लाइन होती है। किसकी लाइन होती है? लाइट की, कैथोड को जलाने के। सो अब समझो, अगर आपका सेट का लाइट जल रहा है तो एलईडी एनोड का वोल्टेज तो बन ही रहा होगा ना भाई, तो उसको क्या मिल रहा होगा? कितना वोल्टेज? क्योंकि अगर ये कट कर दिया तो ये वोल्टेज मिलेगा, और अगर ये कब मिलता है मतलब इतना हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हेलो, और अगर हम चेक करें तो हमें 100% ये वोल्टेज मिलेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? इतनी चीजें बाईपास हो गई। अब हमें चेक क्या करना है साहब, क्योंकि ग्राफिक नहीं आ रहा, तो ग्राफिक्स की लाइन है, तो अब हमें ग्राफिक्स के लिए चेक करना है। अब रिसेट की लाइन, बोलो रिसेट की लाइन, कितना वोल्टेज? फिर हमें ग्राफिक्स के लिए चेक करना है PE, बोलो PE। फिर हमें ग्राफिक्स के लिए चेक करना है ID, हियरिंग इफेक्ट, आइडेंटिफिकेशन, और फिर हमें ग्राफिक्स के लिए चेक करना है जो उसको मिलने वाली लाइन है MIPI की लाइन, बोलो MIPI में टोटल 5 कॉइलें होती है, हेलो, MIPI पॉजिटिव और MIPI नेगेटिव। व्हाट इज MIPI? मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, हेलो, खड़े हो जाओ मोबाइल इंडस्ट्री, एकदम आखिरी वाले खड़े हो जाओ, आप खड़े रहते अगर नहीं होगा तो हमें डिस्प्ले, मतलब हमें अब डिस्प्ले आईसी हमें चेक नहीं करनी, क्यों? क्योंकि हमारा +5 -5 बन गया है। लाइट आईसी चेक नहीं करनी क्योंकि लाइट बन गया है। सर ये सारे GRVR है तो मतलब CPU भी हमारा ओके है, हेलो, नहीं, CPU ओके नहीं है, यही है, क्योंकि हम MIPI के खाली GR चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? MIPI पर एक्चुअली DSO से एक फ्रिक्वेंसी भी आनी चाहिए, हेलो, अभी DSO लेके नहीं बैठोगे तो सेट वापस कर दोगे, हाँ, तो जब टूल नहीं होंगे तो कोई काम नहीं करोगे, हाँ, 50 रुपए के टूल से 50 का ही काम होगा, हाँ, बात समझ में आई? हाँ, नंगा आदमी नंगा ही रहेगा, हेलो, टूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या है, अब सर हमें समझना है कि मैं आपको यहाँ भी समझा रहा हूँ, मैं आपको डायग्राम में भी समझा रहा, मैं डायग्राम में आपको तब समझाऊंगा, आपको दुर्गे सर की क्लास होगी ग्राफिक्स क्लास, उसमें आपको पूरा समझाएंगे, हेलो, यस सर। सीपीयू को, बोलो सीपीयू को,
कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे ये सीपीयू हो गया ना, सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बीपी पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं? हम जब सीपीयू पढ़ेंगे तो सीपीयू मल्टीपल पार्टों में डिवाइड है। सीपीयू को हर पार्ट में पढ़ना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ माय दिस लेग इज नॉट वर्किंग, तो मेरा डॉक्टर इस लेग से जुड़ा हुई नसें देखेगा। हेलो, पूरा दिमाग खुलेगा? यही है, तभी वो डॉक्टर है। अगर आप वो ये सब पढ़ेगा नहीं तो वो ये सब डायग्नोस कर पाएगा क्या? इसलिए टेक्नीशियन आर नॉट अवेलेबल, मतलब ये बना ही नहीं पा रहे सेट को, दे आर नॉट कैपेबल टू वर्किंग ऑन सेट। सीपीयू को पहले खुद रिक्वायरमेंट है, सीपीयू को बीपी बीएसआई बोलो, एक सप्लाई होती है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, दो वोल्टेज मिलना चाहिए, 1.2 और 0.9। जब तक सीपीयू को ये दो वोल्टेज नहीं मिलेंगे, अब तुम रिवॉल्व करो, क्या करो, सब करो। हेलो, सो वी नीड टू चेक दिस टू वोल्टेज, है ना? अब सीपीयू के साथ इस एक्सटर्नल कैलिब्रेशन के लिए एक रजिस्टर भी लगा हुआ है ग्राफिक्स के अंदर, 1.4 किलो ओम्स का, बोलो, बीपी डीएसआई में, बोलो। अगर ये रजिस्टर निकल गया, वैल्यू खराब हो गई, तो भी ग्राफिक्स। अब मैं आपको पहले इसको दिखाता हूँ। देखो, हमारा सेट है Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, तो हम उसी का डायग्राम खोलेंगे। तो पहले हम जो सीपीयू में जो भी जो जो मैंने बताया था, पहले पर यहां दिखाता हूं, फिर वहां पे सारा चीज चेक करेंगे। ओ एमडी सर को कॉल करके बुला लो भाई, ठीक है? देखो, अगर हम सीपीयू पर जाए, ये हमारा सीपीयू है, तो ये सीपीयू का कंट्रोल पार्ट है। हमें सीपीयू का बीपी पार्ट चाहिए, बीपी पार्ट में यहाँ पे बीपी 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 लिखा होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये ए है, हम बी पे जाएंगे, ये जीपीआईओ पार्ट है, ये पार्ट भी क्या काम करता है सब बताऊंगा आगे क्लास में। बी पार्ट के बाद सी पार्ट में जाएंगे, सी पार्ट में ये ईवीआई है, ये भी क्या काम करता है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस आयो, ये भी सब बताऊंगा आगे की क्लास में, क्या ये हमारा डिस्प्ले से रिलेटेड नहीं। सी के बाद डी पार्ट में जाएंगे, मैं इसलिए ये सब चेक कर रहा हूं क्योंकि बाहर वाला सारा काम हो चुका है, पीएमआई चेंज हो गई है, सारे वोल्टेज सारे कनेक्टर सब कुछ चुके हैं, तो हमें डिस्प्ले पढ़ना, हमें सीपीयू पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, ग्राफिक्स बनाना है तो सीपीयू को पढ़ना आ जरूरी है, नहीं तो ग्राफिक्स खाली प्लस फाइव माइनस फाइव से नहीं है, बहुत बेसिक सप्लाई है, प्लस फाइव माइनस फाइव जनरली सबसे ज्यादा खराब यही होती है, ये कोड सप्लाई ये खराब हुई तो एक मास्टर ही बना पाएगा। हेलो यस सर। सी के बाद क्या आता है, बी में भी ईवीआई है, बी के बाद क्या आता है, ई में, देखो ई में मिल गया हमको यहाँ पर सीएसआई और डीएसआई, ये हमारा मीपी की सप्लाई है, ये वो 10 मीपी है जो हमारे डुअल कॉइल के साथ डिस्प्ले कनेक्टर पर जाता है, ये मीपी लिखा हुआ है, नहीं लगा, देखो अपन देखते हैं डायरेक्टली यही में बैठना है, मैं वहां से पहले दिखाना चाहूंगा। देखो तो ये सीपीयू के इधर ये रजिस्टर लगा हुआ है, हेलो ये चार रजिस्टर लगा हुआ है, हम ये बोलेंगे कि रजिस्टर निकल गया है, तो भी हम इसको चेक करेंगे भाई रजिस्टर है तो वैल्यू, और अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो हम ई के बाद भी आगे जाएंगे क्योंकि हमें इसको वोल्टेज चाहिए। ई के बाद क्या आता है बोलो, एफ के बाद, ये वाईफाई का है, एफ के बाद क्या आता है जी, ये वोल्टेज का हो गया, अब हमें इसके बाद आगे बढ़ते जाना है, ये भी यहाँ पर भी हमारा सीपीयू का वोल्टेज नहीं है, एच के बाद क्या आता है बोलो, ये देखो ये आ गया हमारा वोल्टेज, ये सब पढ़ाऊंगा यहाँ पर, सीपीयू के सारे वोल्टेज हैं, ये देखो ये है डीएसआई 0.9,
अगर ये 0.9 मिसिंग हो जाए तो डिस्प्ले नहीं आएगा। और एक और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके DSI, ये देखो ये DSI और ये है 1.2, तो ये दो वोल्टेज है, ये दो वोल्टेज सीपीयू को मिल DSI का फुल फॉर्म होता है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। बोलो फिर से बोलो डिस्प्ले कम क्यों आवाज में बोलो। हाँ ये इसे टेलीकॉम में हेलो या मुझे पढ़ने पूरे पढ़ने। हाँ तो ये दो वोल्टेज है, तो हम ये दो वोल्टेज भी चेक करेंगे क्योंकि ये वोल्टेज नहीं चेक किया बंदे ने। अब ये दो वोल्टेज अगर हमारे आ रहे हैं तो ये हमें ये तो पता है कि +5 -5 बन रहा है। आओ जरा इस मोबाइल पर डायग्नोस करें आओ, और इसका मतलब हमारे फोन में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम पावर की दबाएंगे, तो हमने पावर की दबाया तो अभी 100 है, मतलब ये फोन बिल्कुल ओके मोड पे ऑन हो रहा है। 400 ले लिया, 100 के बाद 400 ले लिया, मतलब नॉर्मल बूटिंग है। अगर सीधे 400 लेता 300 हाई बूटिंग, हाई बूटिंग मतलब हमारा सेट ऑन हो चुका है। हेलो और अब हम वापस देखेंगे और अब हम यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले का। हेलो यहाँ पर आना चाहिए, पीछे देखते रहना चाहिए। तो आप देखोगे इसके अंदर हल्की सी लाइट है। हेलो यस सर, हल्की सी लाइट है। अब जैसे हम अगर यहाँ पर अगर आए अब ये आ रही है ना लाइट? यस सर आ रही है, है ना? नहीं जो पास में खड़ा है वो दिख रहा है, तो इसका मतलब लाइट आ रही है पर ग्राफिक्स नहीं आ रही है। तो अभी हमारी लाइट आ रही है, तो अगर हम बात करें हमारा CABC बन रहा है, CABC बन रहा है, तो +5 -5 बनना चाहिए। हेलो यस सर, फिर भी हम +5 -5 चेक करेंगे क्योंकि ऑडियंस ये आपको भी बताना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो हम उसके लिए हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलेंगे और यहाँ पर अपना VSP लाइन जोड़ेंगे। ये हमारा ग्रीन कलर का है और VSN, ये +5 का है, माइनस ये प्लस ये माइनस 5, तो ये हमारा VSP VSN हमारा यहाँ पर इन दो लाइनों से इन दो कैपेसिटर पर, और ये हमारा बनकर ये PMI के साथ जा रहा है, मतलब हम अपना इन दो कैपेसिटर पे भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इस पे +5 और इस पर -5। तो देखो हम इन पर चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे +5 और इस पे चेक करेंगे -5, और फोन को ऑन करेंगे और हमारा बोर्ड भी ऑन होना चाहिए। जो डिस्प्ले कनेक्टर पूरी तरीके से लगा हुआ है, कनेक्टर की हालत भी दिखा देता हूँ। कनेक्टर की हालत देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, ओके है, टूटा नहीं है, खराब है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो कनेक्टर ओके है, लाल दिखने में तो ओके है, अपना इतना ही पता है, यही पता करनी है। और अगर बेसिक खराब होता तो ये बेसिक टेक्नीशियन बना लेता, बेसिक ही बनाना बहुत बड़ी बात है। अब हमने जो करेंगे पावर की को करके, अब देखो अब हम पावर की को दबाएंगे, 200 के ऊपर जैसे जाएगा ये चला गया। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर देखो +5 यस सर, -5। हेलो यस सर, किस किस को इतना समझ में आया? यस सर, क्या हमें ये चेक करना था? नहीं था सर,
नहीं था ना? नहीं था सर। क्योंकि हमको तो पहले से पता है ये आ रहा है। हेलो यस सर। मैंने इसलिए चेक किया रेफरेंस के लिए। यस सर। ताकि आपको ये पता चले कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है कि मतलब अगर लाइट जलती है तो ग्राफिक्स का वोल्टेज ओके ओके है, क्योंकि लाइट तब जलेगी जब ग्राफिक्स का वोल्टेज बंद आ जाएगा, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो लाइट को जलाने के लिए एक इनेबल वोल्टेज भेज रही है। ये देखो, अगर हम इसमें लाइट को बढ़े, साइड हो जाओ, थोड़ी साइड आओ, साइड आओ, ये देखो इसके अंदर एक सप्लाई होती है अगर डिस्प्ले इसको कनेक्ट नहीं देगा तो ये ग्राफिक ये लाइट आएगा नहीं। और अगर हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट दे दें, अगर हम इस लाइन पे डायरेक्ट क्या डाल दे तो लाइट आएगा। बोलो ब्राइटनेस अप डाउन होगा नहीं? हेलो यस सर। अभी नीचे सर। पर ब्राइटनेस अप डाउन होगा नहीं? हेलो यस सर। सर रिप्लेस हो गया ये डायग्राम से लेकर वहां तक आप नीचे के उसको फिर एक बार बोलेंगे प्लीज? हां मैं 100 बार बोलूंगा। एंड टुडे वी आर लर्निंग कंपोनेंट। टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट डिस्प्ले। हेलो यस सर। दिस इज वीडियो फॉर ऑडियंस। हेलो यस सर। तुम्हारे को फुल प्रैक्टिकल क्लास मिलने वाली है। यस सर। मैंने वीडियो शुरू होने से पहले कहा था कि डाउट का कोई भी सवाल होना नहीं है। हम हाथी दिखा रहे हैं, हाथी पे बैठाएंगे और दोहराएंगे दोनों। हेलो yes, तो मैंने ये बोला कि ये जो सीएबीसी आप यही जानना चाहते हो ना, सीएबीसी का ये जो सीएबीसी लाइन है ये डिस्प्ले कनेक्टर लगाने के बाद डिस्प्ले बनाता है। okay, कितना वोल्टेज और ये बनाकर किसको देता है? लाइट इसको एक एनेबल की जरूरत जैसे लेता है। कैसे लेता है? जब तक लाइट को ये वोल्टेज नहीं मिलेगा, जब तक लाइट बनेगा नहीं। और अगर हम इसको जबरदस्ती 1.8 डाल दे तो लाइट बन जाएगा नहीं। पर ब्राइटनेस क्योंकि वो तो डिस्प्ले को ही करना है ना। हेलो, इसलिए इसको कंटेंट अडैप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल कहते हैं। ब्राइटनेस तो लाइट को इनेबल भी कर रही है और कंट्रोल भी कर रही है। बराबर। ये कब बनती है? जब तक ग्राफिक्स के वोल्टेज नहीं बनेंगे। क्योंकि सीएबीसी भाई मैं अगर डिस्प्ले करेक्टर हूँ, ले भाई 1.8 क्यों ले भाई? पहले 3 वोल्टेज मेरे को दे, मुझे भी अटैक करो ना। मुझे चाहिए 1.8 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 5 जो कि आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर 1.8 मिलता, अगर लाइट चलती है, अगर लाइट चलती है तो ग्राफिक्स में वोल्टेज चेक करने के लिए जो नहीं है, सिर्फ आप GR VR पे जाएंगे तो GR सारे आ ही गए होंगे तो ही सारा मैटर है। फिर भी बन सारे GR करें, एक बार जल्दी जल्दी चेक कर देते हैं फटाफट। LCD बजाएंगे, ये सारे GR है। अब जी जितने भी है बीपी के 10 लाइनों का GR आना चाहिए, 300 से 800। कितना? 300 से 800। और ऊपर ये जितनी भी सप्लाई है जिसके अंदर हमारा इसमें भी हमारा 300 से 2000 तक की 1B का रजिस्टर लगा हो सकता है। और जितना भी सप्लाई सब पे GR देख लेते हैं जल्दी से। देखो तो हम फोर पे डालेंगे, ये कोई लाइन ओपन तो नहीं है क्योंकि इसकी वजह से ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो हमने इसको डायोड मोड पे डाला और हम इसके लाइट खोलेंगे क्योंकि जबरदस्त चलती है, इसकी ब्राइटनेस एक नंबर है और ये इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मल्टीमीटर है मेरे हिसाब से। अब देखो यस सर, तो हम यहाँ पर जितने भी मोबाइल कॉल है हम सबका GR, ये GR आ रहा है यहाँ पर। हमने अरे पिल पे GR लेंगे, GR ग्राउंड, हर डुअल कॉल के बीच में ग्राउंड, GR ग्राउंड, ठीक है ग्राउंड, GR
ये ग्राउंड होगा, तो ये जी आर होगा, ये दो जी आर एक ग्राउंड, जी आर ग्राउंड, जी आर ये ग्राउंड हो गया, तो ये दो जी आर होगा, ये फिर ये जी आर, ये जी आर बढ़ेगा, तो नीचे पूरा जी आर आ रहा है। अब हमें देखना है रिसेट की लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट, तो रिसेट की लाइन है ये जिस पर रिसेट लिखा हुआ है ऑरेंज कलर की, तो पहले इस लाइन को पकड़ेंगे, तो यहाँ से 9 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर की लाइन पे, और 10 नंबर की लाइन को भी चेकआउट कर लेंगे, ये है टीई की लाइन, ये भी ग्राफिक्स के टी थियरी इफेक्ट, ये मल्टीपल डिस्प्ले को सिंगल डिस्प्ले में बदलता है, अभी जिधर भी डिस्प्ले में लाइनिंग मर्निंग जो आती है वो टीई की वजह से आती है, सो व्हेन टीई इज डैमेज सो यू विल नॉट नेवर गेट लैंड डिस्प्ले, व्हेन टीई इज डैमेज सो यू विल ऑलवेज गेट अ डिस्टरबेंस डिस्प्ले, तो भाई डिस्प्ले गड़बड़ आ जाएगी, झिलमिल आएगा, लाइन सुनाएगा, एंड दिस इज आल्सो इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू, हेलो यस सर, प्रॉब्लम सीपीयू को रिवॉल्व करने से हो जाता है, सो पीपल आर अभी केयरलेस हो जाते हैं कि ये क्या है, रिवॉल्व तो कर दिया सीपीयू, पर नेक्स्ट फोन में नहीं होता ना भाई, उसमें सीपीयू रिवॉल्व करने से नहीं होगा, यू हैव टू चेंज सीपीयू, सीपीयू फ्रीक्वेंसी ही नहीं बनाएगा तो डिस्प्ले नहीं आएगा, और लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं पागल बन के हद तक, जब वो सीपीयू को बदलना नहीं चाहते, वो पीएमआई बदल देंगे, पावर बदल देंगे, पर ये नहीं सोचते कि एक बार सीपीयू बदल के लोगों तक तो ले आऊं, तो एटलीस्ट उनका क्लियरेंस हो जाता है, क्योंकि दे डोंट हैव डीएसओ, दे डोंट हैव डीएसओ, ये सारी लाइनें डीएसओ में चेक होती है, अभी तो मैं आपको आगे चेक करके सिखाऊंगा, अभी अपन 9वां और 10वां चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है जी आप, yes, भी आ रहा है। अब एक बार हम 9 नंबर पे रिसेट की लाइन पे 1.8 चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्योंकि 1.8 नहीं आएगा तो भी ब्लैंक डिस्प्ले आएगा, पर रीजन है ब्लैंक, रिसेट तो आ रहा है क्योंकि लाइट आ रहा है, हेलो यस सर, फिर भी अपन चेक करते हैं, तो अपन फोन को वापस ऑन करेंगे, वोल्टेज पे डालो उसको, और अब हम मल्टीमीटर से 9वें नंबर पर 1.8 वोल्टेज देखेंगे, ये बार हम वो रजिस्टर में भी देख सकते हैं जिस पर वो लगा हुआ है, तो रजिस्टर अगर हम देखा जाए तो उधर से तीसरे नंबर का रजिस्टर है, तो उधर से तीसरे नंबर के रजिस्टर में ही देख लेंगे, आ रहा 1.8, यस सर, यस सर, तो 1.8 हमें पूरा मिल रहा है हमारी लाइन पर, तो इसका मतलब है हमारा रिसेट लाइन भी ओपन हो रहा है, मतलब इनेबल हो रहा है, हेलो यस सर। अब हम मिपी के फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं हमारे डीएसओ के साथ, तो हम डीएसओ ऑन करेंगे, ऑन करेंगे, और जितनी भी ड्यूअल कॉइल है सर लाइनों पर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो कभी फ्रीक्वेंसी बनेगी कभी नहीं बनेगी, डजंट मैटर, फ्रीक्वेंसी बनना सही रेंज में इज नॉट मैटर, मैटर होगा अगर हमें पल्स मिल गए तो ये हमारे लिए ओके है, डैड पल्स नहीं होने चाहिए, मतलब फ्लैट पल्स नहीं होने चाहिए, तो पहले इसको कैलिब्रेट करो साहब, ये 19,000 का आता है, मेरे पास जो है वो 40,000 का है, मेरे पास में 3 है डीएसओ, एक नहीं है, अब मैं 14 डीएसओ की दुकान जो आता है 1.5 लाख का, समझ रहे हो, जो मेरी अर्निंग को 1 लाख और बढ़ा देगा, हेलो क्योंकि मैं वो लेने के बाद वो सीखने के बाद उन लोगों को भी पढ़ाऊंगा जो उस लेवल पे नॉलेज चाहते हैं, समझ में आ रहा है, उनसे मैं 1 लाख रुपए फीस लूंगा, कितनी लूंगा, 1 लाख रुपए, ठीक है, अब हम फोन को वापस चालू करेंगे, एक मिनट, ये शॉर्ट हो रहा है, फोन को ऑन करेंगे तो मेरी रीडिंग डीएसओ का माइनस ग्राउंड पे लगा देंगे,
मेरा ग्राउंड आ रहा है। ये देखो ये बीपी के फ्रिक्वेंसी है, ये जो पैकेट बन रहा है ये बीपी का पैकेट है, तो इसका मतलब मेरी बीपी एक्टिव हो रही है। और अगर मेरी एक बीपी एक्टिव हो रही है तो मतलब मेरी सारी बीपी एक्टिव हो रही है, तो इसका मतलब ये जो पैकेट बन रहा है ये मेरी बीपी का पैकेट बन रहा है। ठीक, मतलब बीपी हो क्या है, बीपी में एक कंसेप्ट है लोगों को समझ में नहीं आता, पैकेट सारे बनते हैं, एक बनता है मतलब सीपीयू एक्टिव हो रहा है। हेलो यस सर, अगर किसी पर भी वो पैकेट नहीं मिलते तो हम ये बोलते सीपीयू एक्टिव नहीं बन रहा, देन वी नेक्स्ट मूवमेंट आर इज चेंज इन द सीपीयू, चेंजिंग सीपीयू, सीपीयू को चेंज बट अभी हम सीपीयू को चेंज फॉर दिस सीपीयू इज क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी। ये कौन है बालक जो अंदर जाए, अच्छा एक आ गया, एक चलो अब अपन जाते हैं, अब अपना सारा मैटर यहाँ ओके है, मतलब ये अब पेड़ से बाहर है क्योंकि देखा जाए तो सब बन रहा है बट सब नहीं बन, चेक किया सीपीयू कहाँ चेक किया, तो सीपीयू के लो वोल्टेज बताए थे याद है, यस सर, बोलो 0.9 1.2 1.2। चलो देखो हम सीपीयू पर जाएंगे और सीपीयू पर जाकर हम अपना सेक्शन खोलेंगे डिस्प्ले वाला, तो सीपीयू पर ये हमारा जीपीआई हुआ है, ये यूबीआई रैम का डिस्प्ले, रैम का सेक्शन है, ठीक है, और सीपीयू पर डालिए ये भी यूबीआई रैम का सेक्शन है सीपीयू के, ये हमारा मिपी का है, तो मिपी में पहले वोल्टेज चेक करेंगे फिर हम डिस्प्ले जाएंगे। एक कॉइल है ये सब पे हमने देखी जो हमारे डिस्प्ले पे आ रही है, ये 10 लाइन 10 कॉइलों के साथ, अगर हमें बंद करो रहे कौन इसका है, अब यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज है, ये वाईफाई का है और WSTR का है, हमारा वोल्टेज आएगा इधर ये, अभी हमारा CSI, ये DSI पावर लूप ब्लॉक, ये K29 इसके इस पे आना चाहिए 1.2, तो दिस वोल्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वोल्टेज हमें इन कैपेसिटर पे इस पे मिल रहा है, तो पहले हम इस पे चेक करेंगे। और यहाँ पर कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, ये बक कैपेसिटर के पास ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर पे हमें मिलना चाहिए 1.2 और इसके बाद 0.9 चाहिए DSI का वोल्टेज, क्योंकि सीपीयू को एक्टिवेट करना है। पर मैं आपको बता दूं हम ये वोल्टेज भी चेक नहीं करें तो भी ठीक है, रीजन है मिपी की फ्रिक्वेंसी मिल रही है, फ्रिक्वेंसी नहीं बनाता, अगर फ्रिक्वेंसी नहीं बनाता वोल्टेज नहीं पैदा होते। हेलो CPU को पहले ये वोल्टेज मिल रहे हैं, yes, sir. CPU एक्टिव हो रहा है, yes, sir. तो ही फ्रीक्वेंसी दे रहा है, yes, sir. तो हम फिर भी ये चेक करेंगे। हेलो yes, sir. तो 0.9 वाला कैपेसिटर भी ढूंढ लेंगे, ये सिंगल लाइन के साथ है। एक और चीज, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत एडवांस लेवल की चीज, ये उन टीचरों को कभी नहीं समझ में आएगी जो पीला मल्टीमीटर रख के पढ़ा रहे। हेलो yes, sir. रैंडमली जब भी हम सीपीयू पे ट्राई करते हैं, ट्राई होता है ना, तो मल्टीपल पैड कभी नहीं होते, एक सिंगल पैड होता है। हेलो यस सर, तो जो सिंगल पैड होता है उसको चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ आपका G29 एक सिंगल लाइन है, तो अगर ये पैड ट्राई हो गया तो हमारा ये लाइन पूरा क्या हो जाएगा, ओपन। बट अगर ये तीन पैड है, अगर एक पैड भी जैसे पर ये दो पैड है, एक पैड भी ड्राई होगा तो दूसरा पैड उसको कनेक्ट कर लेगा। हेलो यस सर, तो जनरली हमें सीपीयू की वो सप्लाइयां हमें जरूर चेक करनी चाहिए जो सिंगल पैड के साथ है, सिंगल लाइन के साथ, एंड ये बहुत एडवांस लेवल के फॉल्ट होते हैं जो हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। तो हमारा ये कैपेसिटर भी देख लेते हैं, हमने ये वाला तो पता कर लिया, इस पर हमें 1.2 चेक करना है, एंड DSI 0.9 वाला कैपेसिटर देखेंगे, ये 0.9, तो इस पर हमारा ये कैपेसिटर है C13-14, तो ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, तो ये हमारा कैपेसिटर ये है, तो ये हमने दो कैपेसिटर ढूंढ लिए। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका प्लस माइनस जानेंगे और हम इसका बिटमैप भी खोलते हैं, रीजन है समझने के लिए। तो देखो बिटमैप इसलिए खोल रहा हूँ ताकि हम थोड़ा और क्लियर कर सकें कि ये लाइन बाकी में है, डिस्प्ले से कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है, क्योंकि ये हमें ट्रैक दिखा देगी पूरा। हम नोटिस करो, तो हम ये कैपेसिटर पे जाएंगे,
ये वाला कैपेसिटर ये, और ये कैपेसिटर पे यहाँ पर सो पैड इनफो, और यहाँ पर एक और चीज होती है यहाँ पर हाइड इनफो पैड। हाइड इनफो पैड को क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसा एक मिल जाएगा हाइलाइटर, जो आपको हाईलाइट करेगा। जैसे जहाँ पे भी टच करोगे आप, जहाँ पे भी माउस रखोगे आपको हाईलाइटर चमकता रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, ताकि आपको दूर से पता चल जाएगा कि मैंने L9 1.8 को टच किया है। आपको जूम करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा 1.2 की लाइन है L18 LDO, ठीक है। ये मेरे CPU में जा रहा है और ये मेरे पावर से होते हुए CPU में जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो मैं उसको यहाँ भी चेक कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर में भी चेक कर सकता हूँ। तो मेरे को वेव मिल जाते हैं, ट्रैकें मिल जाती है। तो आप पहले इसको चेक करें। हमने फोन को लगाया, मल्टीमीटर देखा उसमें, फोन को चालू किया, और अब हम ये कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज हमेशा प्लस में रख के चेक करना, माइनस में नहीं। ये गलती मत करना, वोल्टेज दोनों में चेक होते हैं पर गलती होती है लोगों से। 1.2 और यहाँ पर हमें 0.8, मतलब इसका मतलब है कि हमारे को दोनों वोल्टेज मिल रहे हैं। और ये चेक करना था क्या? क्योंकि हमने बीपी की जो डीएस होते हैं वहीं पे सप्लाई चेक कर ली। हेलो, सिक्वेंस पढ़ना सबसे बेस्ट होता है, समझ में आ रहा है? इंजीनियर वो है जो सिक्वेंस पे काम कर रहा है, बाकी सब मैकेनिक है छोटे मोटे। हेलो, कहीं से भी कुछ भी जोड़ दो। अब बचा DPIO का बंद है, ये ऑन होने के बाद ही काम करता है। ये बीपी आ गया, तो इसके आप जो भी देखो तो ये देखो बीपी DSI एक रजिस्टर लगा है 1.4। ये सिर्फ और सिर्फ कॉलकम में होते हैं। किसमें होते हैं? मीडिया टेक में नहीं होते। तो हमारे इधर भी लगा है। तो ये हमारा बेसिकली ये जो लगा है ये रजिस्टर, ये पैलर है सिर्फ डिस्प्ले के साथ और कहीं पर भी लगा है। तो ये 1.4 का है। अब हम ओम्स में जाएंगे और इसका वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं और इसका वैल्यू देखेंगे। 1.4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.4। और ये हमें मेगा में दिखाई दे रहा है। हेलो, किसमें दिखाई दे रहा है? और यहाँ पर सीपीयू रिबोल है और यहाँ के आसपास के सारे कंपोनेंट को आप देखो तो छेड़ा गया है। तो अब कहने का मतलब है सीपीयू रिबोल करने वाले ने या जो ने भी यहाँ पर अगर कंपोनेंट गलती से ये खराब लगा दिया या उल्टा लगा दिया कुछ भी है, या ये रजिस्टर ही खराब हो गया है, या ज्यादातर या क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, आयरन से कंपोनेंट लगाते हैं। किसके लगाते हैं? आयरन से पकड़ेंगे, टच करेंगे तो आयरन क्या करता है, सडनली एकदम से इतनी हीट पैदा कर देगा कि वो अपना रेजिस्टेंस खो देंगे। हेलो, और वैल्यू को बढ़ा देंगे, मतलब वो लीकेज हो जाएगा। तो अब हम इस रजिस्टर को हटाते हैं। तो हम इस रजिस्टर को हटाते हैं और हटाएंगे आयरन से ही हटा देंगे, और जब लगाएंगे तो नया हम SMD से लगाएंगे। कैमरा हटा दो। अब हम यहां पर 1.4 का रजिस्टर ढूंढेंगे। कॉलकम में ही मिलने वाला है ये रजिस्टर है R400। ये इधर सिंगल लगा हुआ है। अब हम ये रजिस्टर का वैल्यू चेक करेंगे। 1.4, तो ये 1.4 आ गया। ठीक है, अब हम ये रजिस्टर को निकालेंगे।
या तो बिल्कुल छूना मत, टूटा मारना मत, नहीं तो गर्म मूड में हटाया तो बॉल मिक्स हो सकते हैं और ड्राई हो सकते हैं। सो जब वे गए कि है पेशेंट रुक जाओ दो मिनट, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है राइट नाउ, है हमारे पास तो लैब में है बट यहाँ हम नहीं रहे, सो हम वेट करेंगे। अब थिनर डालेंगे कुछ देर बाद, आप इसको पहले जी आर चेक करेंगे, हमारे को रजिस्टर में जी आर आना दूसरी और ग्राउंड, एंड सेकेंड थिंग इज हमें इसका ओम चेक करना है। तो फर्स्ट हम जी आर पे डालू भाई, यहाँ जी आर आ रहा है बराबर 700 और ये आ रहा है ग्राउंड, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राउंड बन रहा है सर, एक मिनट ग्राउंड देखना पड़ेगा, ग्राउंड बनना चाहिए हमारा, तो ग्राउंड बन रहा है। अब हम ओम्स पे डालेंगे, अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे वापस, तो ये उतनी होनी चाहिए जितनी थी 1.3, अभी कुछ ऊपर नीचे ले लेगी क्योंकि बोर्ड बदल गया है, तो 1.39 की जगह कुछ और भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये 1.4 पूरा आ गया है, तो अब हम वापस देखेंगे, आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से, एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है, मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ पीछे से आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ मेरे आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट में सर, तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। ठीक, महाराष्ट्र से हूँ। ओके, हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके, सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। ओके, देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिलने के लिए, और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद, क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया। दो
दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर ईएमसी सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से